बाबा बागेश्वर धाम सरकार को दिल्ली में अपार प्यार मिल रहा है। आलम यह है कि दिल्ली पुलिस भी खुद को उनकी भक्ति से अपने आप को रोक नहीं पा रही है। कल आईपी एक्सटेंशन में चल रही हनुमान कथा के समापन के बाद पुलिस अधिकारी बाबा की मेजबानी के लिए उन्हें डीसीपी ईस्ट के ऑफिस में आने का निमंत्रण दिया और बाबा ने पुलिस का निमंत्रण स्वीकार किया और फिर पुलिस बाबा को ले गए। भक्तों की तरह ही ऑफिस में कार्यरत स्टाफ ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत व उन्हें विदा किया। बाबा के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में बैठने के इंतजाम किए गए थे जहां ज्वाइंट कमिश्नर रैंक के अधिकारियों के अलावा डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, इंस्पेक्टर के अलावा कांस्टेबल तक के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस सूत्र ने बताया है कि रात कथा समाप्त होने के बाद पुलिस अधिकारी बाबा को डीसीपी ऑफिस लेकर पहुंचे थे। वहीं बाबा ने करीब एक घंटे तक डीसीपी ऑफिस में पुलिस वालों पर अपनी कृपा बनाए रखी। पहले तो वरिष्ठ अधिकारी ही उस रूम में मौजूद थे। परिचित से बातचीत शुरू हुई और अधिकारियों ने अपना परिचय दिया। कुछ देर बातचीत होने के बाद अधिकारियों ने घुमा फिरा कर अपने भविष्य के बारे में इच्छा जाहिर करने लगे। इसके बाद बाबा ने उन्हें कुछ कुछ बताया। इको वन और इको टू यानी कि डीसीपी ईस्ट और एडिशनल डीसीपी ईस्ट ने फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी न करने के सख्त निर्देश दिए थे, मगर फिर कुछ लोगों ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर ही ली। इसमें पुलिसकर्मी बाबा के वहाँ से गुजरने के दौरान हाथ जोड़े खड़े दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि पंडाल में अधिक भीड़ होने के कारण अधिकारी बाबा से मिल नहीं पाए थे और पंडाल में पहले सभी वरिष्ठ अधिकारी थे और जब बाबा डीसीपी ऑफिस पहुंचे तो सभी अधिकारी भक्तों के रूप में बाबा के आगे नतमस्तक होते दिखे। इस कारण कथा समाप्त होने के बाद उन्हें डीसीपी ऑफिस ले जाया गया था जिससे कुछ पल फुर्सत के बाबा के साथ बिताए जा सके। वहीं फिलहाल इस मामले पर डीसीपी ईस्ट अमृता गुगलोत को फोन कर जानना चाहा कि बाबा को डीसीपी ऑफिस क्यों लाया गया था, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।